सचा जी, पितृपक्ष में इस साल सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। भारत में इसका क्या प्रभाव रहेगा और कब कब ये दोनों लग रहे हैं? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। पितृ पक्ष का शुरुआत जो है ग्रहण के साथ होने जा रहा है। 18 सितंबर से पितृ पक्ष भी प्रारंभ है और 18 सितंबर से ही प्रतिपदा का श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष प्रारंभ होगा। ग्रहण के साथ प्रारंभ हो रहा है, यह जो है पितृ पक्ष अत्यंत शुभदायक नहीं है, क्योंकि ग्रहण से प्रारंभ हो रहा है। अब 18 सितंबर को जो ग्रहण लग रहा है, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण यानी प्रातः काल चंद्रास्त के समय ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में दृश्य नहीं है, इसका प्रभाव भारत पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ग्रहण जो है वह लगा है पितृपक्ष के समय। इसलिए प्रतिपदा के श्राद्ध करने वालों को जब तक ग्रहण समाप्त नहीं होता है तब तक श्राद्ध प्रारंभ न करें। ग्रहण का समय जो है मोक्ष काल जब हो जाए तो तब ही पितृपक्ष का प्रारंभ करें। जो भी करना हो तो 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण कंकणाकृति लग रहा है, जो भारत में दृश्य नहीं है। और पितृपक्ष का जो अंत होगा वह 2 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर अमावस्या तिथि, उस दिन भी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। वह भारत से दूर, अमेरिका से दूर समुद्री क्षेत्र में लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पक्ष में 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इससे ग्रहण का जो है फल हर व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक पक्ष में 2 ग्रहण देश के लिए और मनुष्यों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं है।